नमस्कार, मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम की जनरल बात कर लेते हैं कि एल्यूमिनियम क्या होता है, यानी एल्यूमिनियम कौन सा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। जो एल्यूमिनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। उसको हम AL सिंबल से, यानी कि कैपिटल A और स्मॉल L सिंबल से डिनोट करते हैं। जो एल्यूमिनियम होता है वो सिल्वरी वाइट कलर का होता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टाइल नेचर की होती है, पर ये नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट मेटल होता है। ये अर्थ क्रस्ट में थर्ड मोस्ट अबंडेंट होता है, यानी कि जो पृथ्वी में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में से तीसरा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद जो मेटल होता है वो ये एल्यूमिनियम होता है, यानी कि ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट होता है। और ये जो पृथ्वी का 8%, यानी कि 8% ऑफ अर्थ क्रस्ट बनाता है, यानी उसके मास से हम कंपेयर करते हैं, मास के टर्म्स में बात करते हैं कि ये जो 8% है वो पृथ्वी का ये बनाता है। अब हम इसके ओर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओर्स में एल्यूमिनियम के डिफरेंट ओर्स होते हैं, अलग अलग तरीके के ओर्स होते हैं। इसमें सबसे मेन ओर होता है एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, यानी कि बॉक्साइट जो होता है वो मैक्सिमम पृथ्वी में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम इस बॉक्साइट ओर से ही निकाला जाता है। तो मेन इसका ओर जो होता है एल्यूमिनियम का वो बॉक्साइट ओर होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है AlOx OH3 2x। फेल्सपार जो होता है उसका फॉर्मूला होता है KAlSi3O8। कॉरेंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। और क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है फोर्थ, इसका जो ओर होता है वो क्रायोलाइट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। फिर इसका नेक्स्ट ओर है एल्यूनाइट, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4Al2SO4 3.4AlOH3 3। केओलाइन इसका लास्ट ओर है। जो हमने मेनली ओर्स लिए हैं कुछ ओर में से, उसमें केओलाइन सबसे लास्ट ओर है, जिसका फॉर्मूला होता है 3Al2O3.6SiO2.2H2। अब हम लोग ने अभी तो जर्नल की बात करी, अब हम उसके बारे में एक्सट्रैक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में मैंने अभी आपको बताया था कि जो बॉक्साइट्स ओर हैं वो सबसे ज़्यादा उससे एल्यूमिनियम ऑप्टेन किया जाता है। मेन ओर इसका एल्यूमिनियम का बॉक्साइट ओर है। तो हम जनरल नॉर्मल एक बॉक्साइट्स को कंसिडर करते हुए एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्चुअली जो एक्सट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, मेटल को निकाला जाता है। तो एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है उसका एक्सट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और उसके जिस मिनरल से उसको निकाला जाता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, उसका एक्सट्रैक्शन बहुत महंगा पड़ता है। जो बॉक्साइट्स है वो मैंने अभी आपको बताया कि वो एल्यूमिनियम का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है वो बॉक्साइट ओर होता है। उससे एटलीस्ट 99% मेटल एल्यूमिनियम निकलता है। एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे पेरर बार्थियर, जिन्होंने बॉक्साइट्स को एक विलेज से खोज की थी, और वो विलेज था लेस बॉक्स इन प्रोवेंस, जो कि साउथर्न फ्रांस में है, और वो 1821 में इन्होंने ये खोज करी थी। जो बॉक्साइट्स होता है, जो कि हर वर्ल्ड में हर जगह हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, बस एक अंटार्कटिका को छोड़कर, जो 2007 के अंदर मैक्सिमम जो मोस्ट बॉक्साइट्स माइन हुए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, गुआनिया और इंडिया के अंदर। जो और मैंने अभी कहा कि जो बॉक्साइट्स है वो कॉमन मिनरल है इसके लिए, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए, पर हर बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम निकालते हैं वो ज़रूरी नहीं है इकोनॉमिकली बेनिफिट दे। तो हर बॉक्साइट इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होता है। कुछ में बहुत अच्छा एल्यूमिनियम की अमाउंट मिल जाती है, कुछ में इतनी अच्छी अमाउंट नहीं मिल पाती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो अर्थ में 30% या उससे ज़्यादा होता है। एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड्स होते हैं,
जो एल्युमिनियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो बॉक्साइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं गिब्साइट्स जिसका फॉर्मूला होता है AlOH3, और बोएमाइट्स जिसका फॉर्मूला होता है AlOOH, और डायस्पोर जिसका फॉर्मूला होता है AlOOH। एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड है वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं, जब हम आप इसको इनको एक्सट्रैक्शन करते हैं तो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के दौरान। एक्सट्रैक्शन में सबसे मेन मेथड होता है बेयर्स मेथड। बेयर्स मेथड मेनली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम या एल्यूमिना निकालने के लिए, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स को। और ये जो प्रोसेस है ये एक कार्ल जोसेफ बेयर ने डेवलप किया था। अब बेयर प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि बेयर प्रोसेस क्या है। बेयर प्रोसेस में सबसे पहला प्रोसेस होता है माइलिंग। माइलिंग में क्या किया जाता है, जो बॉक्साइट है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश किया जाता है, और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनका सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है ताकि डाइजेशन स्टेज है उसमें काम आ जाए। फिर इसमें लाइम ऐड करते हैं ताकि ये जो हमने जो बनाया है ये एक स्लरी बन जाए, पंपेबल स्लरी बन जाए। डी सिलिकेशन में क्या होता है कि जो बॉक्साइड होता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिलिका यानी SiO2 मिलता है, तो इस प्रोसेस के अंदर हम लोग वो सिलिका यानी सिलिका वाली इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो उसकी फाइनल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो अफेक्ट होती है। फिर आता है आपका डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि हम हॉट कास्टिक सोडा का सोल्यूशन लेते हैं, उसको हम जो एल्यूमिनियम बेयरिंग मिनरल्स होते हैं बॉक्साइट के अंदर उसको इसकी हेल्प से हम उसको डिसॉल्व कर देते हैं और हम लोग को सोडियम एल्यूमिनेट एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन या फिर प्रेग्नेंट लिक्विड की तरह ऑब्टेन होता है। फिर नेक्स्ट उसमें क्या होता है, जो मैंने अभी गिबिसाइट बताया, डायस्पोर बताया, जो कंपाउंड्स एल्यूमिनियम कंपाउंड्स प्रेजेंट रहते हैं बॉक्साइट के अंदर, वो उनका गिबसाइट है जैसे AlOH3 जब NaOH के साथ कंबाइन करती है तो LaOH4 बना लेती है, प्लस Na+ बना लेती है। डायस्पोर में क्या होता है कि AlOOH प्लस Na वो इस कास्टिक सोडा के साथ NaOH के साथ कंबाइन होती है तो फिर वो बनाता है AlOH- प्लस Na+। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है 140 से 280 डिग्री सेल्सियस पे, और नेचर ऑफ ओर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना वेरी करेगा। जो स्लरी है उसको हम फ्लैश टैंक के अंदर कूल करते हैं 106 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद एंड बाय फ्लैशिंग ऑफ स्टीम इसमें डाल के उसको कूल करते हैं। फिर आता है अपना क्लैरिफिकेशन या सेटलिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है उसको हम प्रेग्नेंट लिक्विड से सेपरेट कर देते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि जो बॉक्साइड रेसिड्यू है क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म होता है तो वो उस लिक्विड पार्ट से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। और इसमें केमिकल एडिटिव भी यूज़ करते हैं ताकि असेसमेंट सेडिमेंटेशन प्रोसेस पूरा हो सके। अब बॉक्साइट्स को जो है हम लोग रेसिड्यू को, वो जो रेसिड्यू होता है बॉक्साइट का रेसिड्यू, वो उसके बॉटम पार्ट में जाकर सेटलिंग टैंक के बॉटम पे पार्ट में जाकर सेटल हो जाता है, वहाँ पर हम उसको वॉश कर लेते हैं और कॉस्टिक सोडा हमें मिल जाता है। फिर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि एल्यूमिनियम जो होता है क्रिस्टल फॉर्म में लिक्विड फॉर्म होती है उससे क्रिस्टल फॉर्म में जनरेट हो जाता है और उसके स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड्स बना लेता है जिसको हम कॉमनली हाइड्रेटेड भी कहते हैं। फिर आता है इवेपोरेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पेंट लिक्विड है उसको हम हीट एक्सचेंजर की हेल्प से बार बार हीट करते हैं और फिर फ्लैश टैंक की हेल्प से इसको हम कूल करते हैं। फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो गिबिसाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट में अलग अलग साइज़ में प्रेसिपिटेट होते हैं और इनको हम साइक्लोन या ग्रेविटी क्लासिफिकेशन टैंक में इनका प्रोसेस साइक्लोन या ग्रेविटी क्लासिफिकेशन टैंक में होता है। फिर आता है ये जो कोर्स साइज पार्टिकल्स होते हैं इनको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस के से भेजते हैं और जो फाइन क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम वॉश कर लेते हैं और उनसे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को निकाल लेते हैं और वो प्रेसिपिटेशन स्टेट में वापस आ जाते हैं। अब
जो मैंने बताया कि कोर्स साइज क्रिस्टल होते हैं उनको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमने ये कोर्स साइज क्रिस्टल ऑप्टेन किए हैं उनको कैल्सिन करते हैं और फिर रोस्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे 1100 डिग्री सेल्सियस पे, और उसमें से जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है और जो केमिकली कनेक्टेड वाटर होता है मेनली उसमें से वाटर निकल जाता है और हमें एल्यूमिना सॉलिड मिल जाता है जो फाइनली प्रोडक्ट होता है एल्यूमिना बेयर प्रोसेस का। और इसका जैसे मैंने नीचे इक्वेशन लिखी हुई है Al2AlOH3 एयर इसमें बनता है Al2O3 प्लस 3H2O। ये जो रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हुई बेयर प्रोसेस में वो है कि Al2O3 फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में रहता है, फिर उसको हम कास्टिक सोडा से रिएक्ट कराते हैं तो NaAlO2 बनता है और फिर ये NaAl2 वाटर के साथ इसको हम वॉश कर लेते हैं तो AlOH3 मिल जाता है NaOH मिलता है फिर इसके हेल्प से। फिर ये AlOH3 जब हम हीट करते हैं तो वापस Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू ये एक्सप्लेन कर रखा है कि हमने बॉक्साइड लिया है उसको हमने माइलिंग जो प्रोसेस बताया था उसके दौरान क्रश करके छोटे छोटे और उसमें फिर कास्टिक सॉल्यूशन मिलाते हैं ताकि उसमें से जो एल्यूमिनियम के कंपाउंड है वो मिक्स हो जाएं। फिर उसमें हमें सोडियम एल्यूमिनेट बनता है एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो कि हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं, फिर हम कूल करते हैं जब इसको तो हमें क्रिस्टल फॉर्म में एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स बनते हैं, फिर इनको हम रोटरी क्लीन से करके प्रोसेस से करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑप्टेन कर लेते हैं। ये हमारा आज का प्रोसेस था कि हमने पहले तो ओर्स के बारे में पढ़ा, जनरल मेनली हमने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसके ओर्स के बारे में पढ़ा और फाइनली हमने उसमें फिर एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से एक्सट्रैक्शन होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।